अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा महमूद है और प्रेजिडेंट फेथ पार्टी के सलसीनिया हूँ। कुछ दिन पहले जब आप लोगों ने देखा होगा कि जियो न्यूज पे एक पैकेज चला था कि अब्दुल्ला ब्रोही कोर्ट का जो एक समीउल्लाह 13 साल समीउल्लाह तालीम का ख्वाहिशमंद था, लेकिन क्योंकि सैलाब की वजह से उसका घर भी तबाह हुआ और रोजगार के लिए कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से ये एक डिस्पेंसरी में काम कर रहा है। इसके साथ जो इसकी बहन है वो ना सुन सकती है और ना बोल सकती है। एक बेवा माँ है और घर में कुछ अफराद है जिनकी ये सारी कफालत यही समीउल्लाह ही कर रहा है। इसका पैकेज जब चला और हमने इसको जब शेयर किया अपने प्लेटफॉर्म्स पे, तो हमारे एक डोनर ने जो है वो हमसे रब्ता किया कि वो समीउल्लाह की तालीम के लिए पूरा खर्चा उठाना चाहते हैं। तो उस टाइम पे फिर हमें ये भी पता चला कि समी के पास कॉन्टैक्ट का कोई जरिया नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है कि जिससे रब्ता किया जा सके, जिससे उसे रास्ते में रहा जा सके। तो हमारे डोनर ने समी के लिए जो है वो एक मोबाइल का अरेंजमेंट किया, जो आज हम उसे देने के लिए गोट गुलाम मोहम्मद जमाली में मौजूद है जाफराबाद टीम के साथ, जो ये जाफराबाद जिला कहलाता है और ये बलूचिस्तान है। पूरी टीम हमारी यहाँ पे खास तौर पे समी के लिए आई है कि हम इसे ये मोबाइल फोन दे सके, इस पे इसकी सिम लगा के इसका कांटेक्ट बहाल कर सके, ताकि ये डायरेक्ट डोनर के साथ और हमारे साथ तमाम लोगों के साथ रबते में रह सके। हम सबसे ज्यादा जाहिद बलोच साहब के शुक्रगुजार है, जियो न्यूज के शुक्रगुजार है, जिन्होंने इसका पैकेज बनाया, वो पैकेज हाईलाइट हुआ, हम तक पहुंचा और इसकी मदद हो सकी। समी, मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि बेटा कितने साल के हो, क्या करते हो? मैं 13 साल का हूँ। और क्या करते हो बेटा? और मैं डिस्पेंसरी से काम करता हूं। अच्छा, क्या महाना क्या कमा लेते हो? महाना 7500 कमा लेता हूँ। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में मैं हूँ, मेरे माँ है मेरा और दो बहनें हैं बस। अच्छा, और आपने बताया कि ये बहन जो है वो बात नहीं कर सकता और ना सुन सकता है। और दूसरी बहन? दूसरी बहन माशाल्लाह वो पढ़ता है, लेकिन उसकी पढ़ने के खर्च हम नहीं उठा सकते हैं। अच्छा बेटा, और आपने कहाँ तक पढ़ा है? मैंने 7 तक पढ़ा है बस। और आपका एज अ तालिब इल्म कैसे रहे हो, मतलब क्या रिजल्ट आता था आपका? मैं तो जाहिर सी बात है माशाल्लाह मैं 25 से 5वीं तक फर्स्ट नंबर आता था। उसके बाद जब मैं नौजवान हो गया, जाहिर सी बात है मैं स्कूल जाना छोड़ दिया और घर पूरा मेरे ऊपर था, खर्चे सारे। सही, आप ये बताओ कि अगर कोई तुम्हें तालीम के लिए बोले तो तुम दोबारा तालीम शुरू करोगे? जी हाँ, इंशाल्लाह क्यों नहीं शुरू करूँगा। चलो ठीक है, तो फिर ये तो तुम्हारा बंदोबस्त हो गया कि तुमने तालीम भी हासिल करनी है, अपने बहनों का भी खर्चा उठाना है और अम्मी का बाजू भी बनना है, ऐसा ही है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले फिर। जी जी, और मैं जियो न्यूज वालों का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो हाईलाइट बना दी और मुझे यहाँ तक इस मकाम तक आया, और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, एक मिनट।